धर्म जी जी आपके सामने प्रशांत ईटीवी से। धर्म जी, ये जो टाइटल है फिल्म का यमला पगला दीवाना, आपकी फिल्म प्रतिज्ञा से ये टाइटल है और वो बड़ा ही मशहूर गीत, उस गीत के पीछे की कुछ कहानी बताइए, जब आप शूट कर रहे थे कुछ याद कर पा रहे हो। आनंद बख्शी कितने खूबसूरत लिखने वाले थे, उनकी हर तरह के गाने उन्होंने लिखे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी फिल्म की कहानी सुनी, तो जट तो जुड़ा ही हुआ साथ में ना, और जट यमला पगला दीवाना लगा दिया। रफ़ी साहब ने उसके जी जान से गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने खूब अच्छी धुन बनाई और मैं जी भर के नाचा। फिर तो तब से ये एक चला आ रहा है, जैसे जंगली में कोई मुझे जंगली का एक गाने होते हैं, कुछ गाने मशहूर हो जाते हैं, उन गानों को लोग भूलते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस गाने को लोगों ने भूला नहीं, और फिर नहीं भूल, जो भूलते हैं उनको मैं याद दिलाता रहता हूँ। सनी, आपने हैंडपम्प उखाड़ा था, अब ये पिलर को मुक्का मार के फू कर दिया, और क्या क्या फू करवाएंगे आपसे? जो जनता चाहती है सब करता हूँ। How was this conceptualized? I would like to ask the director. This particular scene. Hello, हाँ जी, the pillar one. Titan देखी है आपने? तो जैसे वो बन सकती है, pillar भी टूट सकती है। And there are many moments like this in the film. You guys will enjoy that. Sunny. That's the last question we'll take. होगा। Sunny, how do you? पूछे जी भर के पूछे। Sunny, यहाँ पे right में आपके। Sunny, your next film, like you are directing your son Karan, so how is that coming out? Can you tell us something about that? You've turned a director in the next film, so उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। फिलहाल I don't think I want to talk about my son's film right now, because हम लोग यहाँ पर अपनी फिल्म YPT फिरसे के लिए हैं, and I think I need to give you good time for that, and you know it's a mega thing which I'll have to talk loads of things, so I don't think this is the right time. हर चीज मौके पे की जाए अच्छी लगती है। Something I want to ask the three of you, it is Sridevi ji's birthday in just about 3 days, so anything if you want to talk in, like, would you like to talk in her memory? Dharam sir, if you can talk something. I have acted with her in Nakabandi. A nice person. मेरा क्या है, डिपेंड करता है आप किस तरह बिहेव करते हैं। मैं हर किसी को यहाँ रखता हूँ अपनी नज़रों से ऊपर। अब उस पर है, गिरना गिर जाए, बुरा रहे बुरा रहे, लेकिन शी वॉज ए नाइस पर्सन। वी एक्सट्रीमली फील सो सैड दैट शी हैज़ गॉन सो अर्ली, शी शुड हैव लिव्ड नाउ, लुक एट हर डॉटर्स। आई फील आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे मैं जज्बात में बह जाता हूँ। वो अच्छी आर्टिस्ट थी, मैंने उनको ज़्यादा, मेरा कोई उनसे रहा नहीं, कभी कभी वो घर से खाना भी बना लाती थी। नाइस पर्सन, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। बस एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम। सनी सर टूर्स सॉरी सनी सर, राजकुमार संतोषी सर के साथ आपने बहुत आइकॉनिक फिल्म घायल घातक, जो काफ़ी पॉपुलर थी, इतनी चर्चा हो रही है कि घातक 2 बनने वाली है आपके साथ, आप लोगों में पैचअप हो गया, कुछ उस बारे में बता सकते हैं सर? पापा ने कहा ना, इस वक्त वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट YPD एंड उसके बारे में बात करें। सर, आप भी हमारे साथ जोर लगाइए, इसलिए मैंने इसलिए कहा है कि हमें आपकी कोशिश की ज़रूरत है, इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। आपकी कोशिश हमारी कोशिश के साथ शामिल हो जाए तो फल निकलेगा, प्लीज़। ओके, आज के दिन को यमला पगला दिन मनाइए।